हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक पे। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब की तरफ से एक बहुत ही कमाल का अपडेट आ गया है, बहुत ही तगड़ा अपडेट है। इस अपडेट के बाद आपकी कॉपीराइट क्लेम वाली जो टेंशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। छोटी सी वीडियो है पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक ये होता आया था कि अगर हम किसी का बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज कर लेते थे, जैसे मान लीजिए मैं कोई ब्लॉग बना रहा हूँ या कोई वीडियो बना रहा हूँ और उसमें पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक भी यूज कर रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने किसी और का म्यूजिक यूज कर लिया, तो क्या होता था कि अब तक हमारी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता था। और वहाँ पे हमें 3-4 ऑप्शंस मिलते थे कि या तो हम इसे ट्रिम कर सकते हैं इस पार्ट को जितने पार्ट में कॉपीराइट क्लेम आया है, या फिर हम इसे म्यूट कर सकते हैं, या फिर हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, जो सॉन्ग है उसे रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रिम कर देंगे, मान लीजिए हमने ट्रिम कर दिया कॉपीराइट क्लेम वाले पार्ट को, तो क्या होता था कि हमारा जो हमने वॉइस ओवर किया है, जो हम वीडियो में बोल रहे हैं, वो भी ट्रिम हो जाता था, या अगर हम म्यूट कर देते थे तो वो भी म्यूट हो जाता था। इससे हमें हमारी वीडियो कोई काम की नहीं रहती थी, वो बेकार हो जाती थी बिल्कुल। लेकिन जो ये नया अपडेट आने वाला है, इसमें क्या होगा कि आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जिसका नाम है इरेज सॉन्ग। मतलब आप अपने सॉन्ग को इरेज कर सकते हैं, आपका जो वॉइस ओवर है उस वीडियो में वो वैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब जैसे मैं इस वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने जो लिया है वो कॉपीराइट वाला है, तो कॉपीराइट क्लेम से सिर्फ वो म्यूज़िक हटेगा हमारा, इरेज सॉन्ग पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो म्यूज़िक हटेगा, हमारी वॉइस ऐसे ही रहेगी। मुझे तो ये अपडेट बहुत ही कमाल का लगा। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।